सुप्रीम कोर्ट से अबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दो याचिकाओं पर फैसला सुनवाया है। पहली याचिका पर कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को वैध माना, वहीं दूसरी याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि हरियाणा में होने वाले चुनाव को लेकर क्या वो प्रचार कर पाएंगे या नहीं। चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। दरअसल हरियाणा में शुक्रवार यानी आज से ही चुनाव प्रचार का असली दौर शुरू होगा, क्योंकि गुरुवार यानी 12 सितंबर तक नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का बेल पर छूट कर बाहर आना टाइमिंग के हिसाब से परफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा दिल्ली में भी राष्ट्रपति शासन की सुगबुगाहट चल रही है, जिसका मामला भी गर्म है। हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया और सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का संगठन दिल्ली और पंजाब की तुलना में काफी कमजोर है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की कैंपिंग से ही उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा उम्मीद है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि अब केजरीवाल जेल से बाहर होते ही गठबंधन को लेकर सकारात्मक नतीजे आ सकते हैं, वही सकारात्मक कदम के रूप में भी इसे देखा जा सकता है। अब आते हैं सवाल पर कि सुनवाई के दौरान आखिर हुआ क्या, क्या न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने क्या सुनवाई की है। तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने अबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को नियमित जमानत देने का फैसला सुनाया है। इस संबंध में न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइया के उनके फैसले पर सहमति जताई है। कोर्ट ने केजरीवाल को 10 लाख रुपए के मुचलके और दो जमानत राशियों पर जमानत दी है। सीबीआई की गिरफ्तारी से जुड़े याचिका पर कोर्ट ने कहा है कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं थी। ईडी मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिल गई थी। ऐसे में अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने 104 दिन पहले यानी 2 जून को अंतरिम जमानत की मियाद पूरी होने के बाद सरेंडर किया था। माना जा रहा है कि वे आज जेल से बाहर आ सकते हैं। दरअसल केजरीवाल ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार मामले में अपनी गिरफ्तारी और जमानत से दिल्ली हाईकोर्ट के इनकार को चुनौती देते हुए दो अलग अलग याचिकाएं दायर की थीं। पीठ ने 5 सितंबर को केजरीवाल की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने इस मामले में आम आदमी पार्टी के प्रमुख को 26 जून को गिरफ्तार किया था। आपको यह भी बता दें कि वो इससे पहले इसी केस से जुड़े ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत प्राप्त कर चुके हैं। बता दें केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया। 10 मई को 21 दिन के लिए आम चुनाव में प्रचार के लिए रिहा किया गया था। यह रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की 1 जून तक की रिहाई मंजूर की थी। 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। आज यानी 13 सितंबर को केजरीवाल की रिहाई होती है तो कुल जेल गए 177 दिन हो जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अगर 21 दिन की रिहाई को कम कर दिया जाए तो केजरीवाल कुल 156 दिन जेल में रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।